नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर साउथ में। आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ साउथ की टॉप 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जिनमें हमें मर्डर मिस्ट्री एक्शन क्राइम सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ फिल्में हैं जो हाल ही में रिलीज हुई है और कुछ फिल्में हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, और वो कहाँ देख सकते हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारे फिल्में एक से बढ़कर एक है जिनकी कहानियाँ काफ़ी थ्रिलिंग अमेजिंग और आपको फिल्में पूरी तरह से एंगेज करके रखती है, और ये पांचों फिल्में एक मस्ट वॉच है। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बिना स्किप करके बने रहे ताकि आपसे एक भी मूवी मिस ना हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नंबर 5 पे है तमिल लैंग्वेज की मूवी 24 टाइम स्टोरी, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है जिसे एमडीबी तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 84% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म के कास्ट में हमें नित्या मेनन, सूर्या के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो कहानी में साइंटिस्ट सेतुरामन एक टाइम वॉच का इन्वेंशन करता है, पर उसका दुष्ट जुगा भाई टाइम वॉच को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। भाई सेतुराम का बेटा कुछ सालों बाद आता है जो उस टाइम वॉच को अपने दुष्ट चाचा से बचने की कोशिश करता है। आप सेतुराम उस टाइम वॉच को क्यों बनाती है और आगे कहानी में क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 4 पे है मलयालम लैंग्वेज की मूवी 9, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 82% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म की कास्ट में हमें आलोक कृष्णा, पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो कहानी में 9 दिन तक चलने वाले एक ग्लोबल इवेंट का आसपास घूमती है, जहाँ धरती पर इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी लोगों का 9 दिन तक धहना। वही अल्बर्ट लुइस एक साइंटिस्ट होता है जो इस एस्ट्रोनॉमिक रिसर्च के लिए अपने बेटे और कुछ फ्रेंड के साथ हिमालय चला जाता है, और वहां जाने के बाद अल्बर्ट एक मिस्टीरियस महिला से मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। उसके बाद कुछ अजीब घटना होना शुरू हो जाती है। अब वो मिस्टीरियस महिला कौन होती है, कैसे 9 दिन पूरी दुनिया बिना इलेक्ट्रिसिटी रहता है, अब अल्बर्ट को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 3 पे है तेलुगु लैंग्वेज की मूवी रेड, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म है जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिले है और 64% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म के कास्ट में हमें रामपोथी नैनी, निवेदा के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे, तो प्लीज देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 2 पे है तेलुगु लैंग्वेज की मूवी लॉक्ड, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म है जिसे आईएमडीबी की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 71% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म की कास्ट में हमें सत्यदेव के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो कहानी आनंद जो एक न्यूरो सर्जन होता है और वो कोई भी ब्रेन से रिलेटेड सर्जरी करता है इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, और एक दिन अचानक 2 महिला चोर आनंद के घर चोरी करने आते हैं और चीजें बहुत ही गंभीर हो जाती है जब डॉक्टर आनंद के सहयोगी और एक पुलिस वाला घर में प्रवेश करता है और सभी लोग डॉक्टर आनंद के साथ घर में लॉक्ड हो जाते हैं। भाई उसके बाद उसके घर में अजीब घटनाएं का एक सीरीज शुरू हो जाती है और डॉक्टर आनंद के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलती है। वो सच्चाई आखिर क्या होती है, जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 1 पे है तमिल भाषा की मूवी ठग्स, जिसे 2023 में रिलीज किया गया था। ये एक क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म है जिसे आईएमडीबी की तरफ 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कास्ट में हमें बॉबी सीमा, हिरुदु हिरोन के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो कहानी है एक लड़की सेतु की, जिसकी जिंदगी में मोड़ तब आता है जब उसे एक